तो कैसे हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रू न्यूज़ में। बहुत वेट कराया, आज कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम था हमारे यहाँ। बहुत सुबह से नेटवर्क ही नहीं था, तो बहुत कोशिश किया कि नेटवर्क आ जाए तो काम करेंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते शाम हो गया। तो चलिए जल्दी से, अब नेटवर्क आ गया है तो आपके लिए जल्दी से एक वीडियो बना देता हूँ। और ख़ास तौर से जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए आज सजेस्ट कर रहा हूँ वो मैंने अपने ऐड टू कार्ट में भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो इस वक्त अमेज़ोन की साइट पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस प्रोडक्ट का। अगर आपको पसंद है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके खरीद सकते हो उसको। बेसिकली ये है वन प्लस 10R 5G फॉरेस्ट ग्रीन 12 GB रैम वाला, 256 GB स्टोरेज, 80W सुपर वोक यानी सुपर चार्ज, 80W फास्ट चार्जिंग वाला आपके पास वन प्लस का एक स्मार्टफोन, ब्रांडेड स्मार्टफोन आने वाला है दोस्तों। इसमें सबसे खास बात यह है कि बेसिकली ये बनाया गया है उन गेमर्स के लिए जो गेमिंग करते हैं। गेमिंग से अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो डेफिनेटली आप एक ऐसे स्मार्टफोन के लिए तो ज़रूर सर्च करते होंगे जिसका रैम ज़्यादा हो, जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो, जिसका चार्जिंग भी फास्ट चार्जिंग कम से कम आपको 80W दे रहा है तो बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, और 5G हो और प्लस, अब क्या कहूँ। इसके चलिए फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जल्दी से, इसमें क्या क्या खास बात है जिसकी वजह से मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ ख़ास तौर से अपने गेमिंग भाइयों के लिए जो गेमिंग करना पसंद करते हैं, जैसे BGMI वगैरह, PUBG वगैरह जो भी आप लोग गेम खेलते हो। तो देखिए इसकी सबसे पहले जो प्राइस है दोस्तों, देखिए वैसे तो मार्केट प्राइस इसकी जो थी 42,999 रुपीज़ थी, लेकिन आज जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 6,000 के डिस्काउंट ऑफर पर आपको ये मिल रहा है, जो कि दोबारा नहीं मिलने वाला है इस अमेजन फेस्टिवल ऑफर के बाद, आप फिर पछताते रह जाएंगे। इसलिए अगर ख़रीदना है तो अभी ही खरीद सकते हैं, EMI में भी अवेलेबल है। इसकी जो अब मार्केट वैल्यू बनती है वह 36,999 रुपीज़, लेकिन घबराइए नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको। ये कुल मिला के जहाँ तक मुझे लगता है ये आपके 32,000 के आसपास ये पहुँच जाएगा। यहाँ जैसे आप बैंक ऑफर देख रहे हैं, यहाँ पर बैंक ऑफर्स में भी है, तो यहाँ पर जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आप 2,000 रुपये का तो सीधे सीधे डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। या तो अगर आपके पास SBI डेबिट कार्ड है तो उसमें भी आप 300 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। और हाँ, ये लिमिट देख सकते हैं कि अगर आप 17,999 रुपये का से ऊपर का मिनिमम, मतलब इससे अगर इससे ऊपर का आप परचेज कर रहे हो 17,999 तक का भी, तो आप इस पर SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जो कि आप इसमें आराम से मिल जाएगा क्योंकि इसकी कीमत तो 30,000 से भी ऊपर है। इसी तरीके से डेबिट कार्ड में भी 5,000 तक का जो मिनिमम वैल्यू रखा गया है, यानी कि आप इस पर 300 रुपये। इसी तरीके से नीचे 3-4 ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहे हैं, एक और है SBI क्रेडिट कार्ड, इसमें भी 1,750 रुपये मिल रहा है इस पर, लेकिन ये EMI पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आप SBI कार्ड के थ्रू EMI का ट्रांजेक्शन करते हो तो ये तो सीधे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर डिस्काउंट है 2,000 का, लेकिन EMI का ऑप्शन चुनोगे तो 1,750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि यहाँ 2,000 का मिला था, यहाँ 1,750 का, ज़्यादा अंतर नहीं है। EMI का ऑप्शन मिल रहा है इसलिए ये चीज़ किया गया है। और अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड EMI में 5,000 तक अगर शॉपिंग करते हो उसके लिए 1,250 है, ठीक है, लेकिन हमारा 30,000 का शॉपिंग है ना, तो डेफिनेटली हम अगर EMI क्रेडिट कार्ड SBI का थ्रू ही आएंगे तो 1,750, और अगर सीधा सीधा हम पेमेंट करते हैं विदाउट EMI तो हमको 2,000 रुपये तक का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 300 रुपये का मिलेगा, और अगर SBI क्रेडिट कार्ड नॉन EMI, ठीक है, और हम 5,000 तक का करते हैं, 5,000 वालों के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो इसमें हम जिस प्रोडक्ट की बात करें उसकी वैल्यू 30,000 से ऊपर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाने के बाद और भी कोई चीज़, अगर इसको आप परचेज़ नहीं करते हो, कोई छोटा मोटा सामान परचेज करते हो, तो अगर उसमें भी इसलिए बता दे रहा हूँ कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आप 5,000 तक का शॉपिंग करते हो तो, अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल करते हो नॉन EMI ट्रांजेक्शन, ठीक है, यानी कैश मतलब पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफर बिल्कुल नहीं है, ये मेरे पिन कोड के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए होगा, ठीक है, आप अपना पिन कोड इसमें डालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके एरिया में इसका एक्सचेंज ऑफर है कि नहीं। अगर है तो उसका भी, अगर पुराना स्मार्टफोन पड़ा है तो आप उसको एक्सचेंज करके अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें पा सकते हो, ठीक है। नो कॉस्ट EMI है, यानी कि EMI पे आपको कोई भी चार्ज देने वाला लगने वाला नहीं है, यानी लेकिन वो जो प्राइस है 3,000 से ऊपर के लिए है तो डेफिनेटली हमारे लिए तो ये एलिजिबल है। कैशबैक ऑफर में सुपर ऑफर चल रहा है, वो आप जब करेंगे तो आपको उसमें स्क्रैच कूपन्स मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे, और अपने आप ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। और पार्टनर्स ऑफर, ये रिप्लेसमेंट वगैरह 6 मंथ्स
फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट है इसमें, तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आप ले सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम पूरा देखेंगे। तो इसके लिए बाय अवेलेबल द बिलो प्लान यू एग्री एंड कंसेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको यह चीज़ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। GST अगर आपके पास है, अगर आपके पास GST है तो इसमें आपको GST का जो बिल पेमेंट होता है उसमें 28% का जो GST चार्ज जोड़ा जाता है। जो आपको अगर मान लीजिए ये 32,000 का पड़ता है तो इसमें GST चार्ज इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो फिर वो 32,000 से बढ़ के इसमें जो है 28% इसका जोड़ के आपको बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास GST है तो आप इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पेमेंट से रिलेटेड चीज़। अब हम बात करते हैं फ़ोन के फीचर की, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा ये होने वाला नहीं है। जैसे सबसे पहले वारंटी, 1 साल की वारंटी है, ओके, 7 डेज रिप्लेसमेंट पे है, और जो मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ वो है 12 GB वाला, 12 GB रैम का, माफ़ कीजिएगा। और एक और वेरिएंट है, अगर आपको इससे सस्ते में चाहिए तो 8 GB वेरिएंट का भी है, 8 GB रोम वाला, और 128 GB इसका स्टोरेज होगा। लेकिन चार्जिंग कैपेसिटी 80 वाट का ही रहने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कलर आपको, कलर 3 वेरिएंट मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। देखिए पहला कलर जो आपको मिला है फॉरेस्ट ग्रीन है, दूसरा कलर मिल रहा है आपको ब्लू वाला है, ये लिख नहीं रहा इसका कलर, शायद लिख रहा है, ओके, प्राइम ब्लू है। इसके बाद है ये कौन सा कलर है, ब्लैक ही होगा, सी, ओके, सीरिया ब्लैक है। तो ये 3 कलर आपको मिल रहा है, ठीक है, इनमें से आपको जो भी पसंद आएगा आप ले सकते हो। मैं तो इस ग्रीन वाले के साथ जाना चाहूँगा, ये ग्रीन वाला काफ़ी बेस्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो खैर ये तो मेरी पसंद है, आपकी क्या पसंद है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए ब्रांड हो गया वन प्लस, मॉडल नेम का वन प्लस 10R, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, अनलॉक ऑल, मतलब किसी भी सिम के साथ प्रोवाइड कर सकते आप ये क्या कहते हैं इसको, कंफर्ट है हर कंपनी के साथ, हर जो आपका नेटवर्क है किसी भी नेटवर्क से आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के साथ, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन OS जो पिछला वाला था, सेलुलर टेक्नोलॉजी 5G 4G LTE दोनों सपोर्ट करता है, 5G और 4G दोनों ही सपोर्ट करता है। कैमरा क्वालिटी, कैमरा की बात कर ले, 50 MP मेन कैमरा है, ठीक है, और 2 MP का मैक्रो कैमरा है, ड्यूल LED फ्लैश है इसमें, 16 MP का फ्रंट सेल्फी है, और ये चीज़ें बहुत अच्छा है। और कैमरा फीचर तो है ही, नाइट स्केप यानी नाइट विजन डेफिनेटली, रात के अंधेरे में भी आप इससे वीडियो फोटो शूट कर सकते हो। और के कैमरा हो गया, और क्या देखना है मुझे इसमें, और तो मैं वीडियो नाइट स्केप डेफिनेटली, फ़ोटो भी नाइट विजन के साथ दिया है, वीडियो भी दे रहा है, वीडियो HDR में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सब कुछ है इसमें यार, हर वो चीज़ है, प्रो मोड है ये देखिए, मतलब इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमको ये सारी फीचर्स तो मिलनी ही है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। डिस्प्ले की बात करें 6.7 इंच के इस डिस्प्ले है, 120Hz IRSI डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन की बात करें 2400x180 pixels 394 PPI है, एस्पेक्ट रेशियो की 29 है, ओके। डिस्प्ले फीचर की बात करने वाले हैं, डिस्प्ले फीचर डेफिनेटली हाइपर टच मोड है, हाइपर टच मोड बहुत बड़ा मोड होता है भाई इसमें, तो टच का जो आप अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा होगा ना वो बदल जाएगा इसमें। रीडिंग मोड बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं वेबसाइट पर जाकर के आप, बहुत अच्छा इसमें आपको मतलब आंखों पर जोर नहीं पड़ने वाला रीडिंग, और बहुत अच्छे से क्लियरिटी दिखने वाली है। नाइट मोड है वो हर मोबाइल में होता है, आई कम्फर्टेबल मोड, ये सारी चीज़ें तो सब में होता है, ऑटो ब्राइटनेस सब होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा मैंने बता दिया है कि एंड्रॉयड 12 में ऑक्सीजन OS है, प्रोसेसर MTK, अब इतना सारा डिटेल में क्या बताया आपको, बैटरी की बात कर लेते हैं सीधा सीधे, हम नॉर्मल पर्सन की तरह ही बात करना चाहते हैं, हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखिए बैटरी और चार्जिंग की बात कर लें तो 5000 mAh की इसमें बैटरी है विथ 80 W सुपर चार्जिंग, और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलता है ये, तो अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है अभी तक जैसा इसमें दिख रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और स्पेशल फीचर्स में हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था वीडियो के कि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन होने आ रहा है, तो अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो ये उसके लिए, ये एंड्रॉयड बेसिकली गेमर्स के लिए ही है, ओके। एलेक्सा बहुत कमाल का चीज़ है इसमें, एलेक्सा हैंड्स फ्री कैपेबल, ये फीचर मैं क्या बताऊँ, अगर ये फीचर
अगर आपके पास है ना तो आपको समझ लीजिए आपके मोबाइल को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर आपको कोई चीज़ गाना एक्टिवेट करना है, कोई वीडियो देखनी है, बस आपको एलेक्सा का नाम लेना है, एलेक्सा प्ले द वीडियो, प्ले द म्यूज़िक, एलेक्सा कॉल, अगर कॉल भी करना है किसी को तो आपको मोबाइल नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में जो नंबर सेव है नाम से, जैसे एलेक्सा एक्स वाई जेड कॉल करो, एलेक्सा ऑलरेडी कॉल कर देगा। हिंदी में भी आप एलेक्सा से बात कर सकते हो। तो मतलब उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, जो खास बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आउटडोर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। या हाथों में बहुत सारा सामान ले रखे हैं, अब ऐसे में हम मोबाइल को हैंड करें ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया एलेक्सा के लिए। ओके, सेलुलर टेक्नोलॉजी 5G 4G वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर एक और डील ऑफ द डे दे रहा है, इसी OnePlus 10 Pro 5G है ये। इसकी कीमत 61,999 रुपये है, 8GB रैम के साथ आता है, 128GB स्टोरेज के साथ आता है, ठीक है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो है ना लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना मतलब इतना कीमत ले रहा है तो इसमें बहुत खास बात होगी। लेकिन इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, ये स्पॉन्सर्ड है, हम डिस्काउंट वाला जो फेस्टिवल ऑफर चल रहा है हम उस पर चलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 8GB वाले जो हम बात कर रहे थे कि 8GB वाले की कीमत क्या हो जाएगा, 32,999 रुपये। इसमें भी कुछ डिस्काउंट वगैरह एक्सचेंज ऑफर मिला के ये भी 29,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। लेकिन ये 8GB रैम वाला है, ठीक है। हम जिस स्मार्टफोन की इस वक्त बात कर रहे हैं वो 12GB रैम का है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो आप इसी 12GB रैम के साथ ही जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। कैमरे देखिए, बैक पैनल में आपको 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया 50 मेगापिक्सल का आपका मेन कैमरा होगा, एक है 2 मेगापिक्सल, एक है 8 मेगापिक्सल, और इसी तरीके से आपका है, और डुअल LED फ्लैश लाइट है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी तो बहुत कमाल की आने वाली है। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं और क्या क्या इसमें दिखा रहा है। ओके, नेचर परफेक्ट पर, बाहर आउटडोर पर इसकी क्वालिटी बहुत देखने लायक होगी, मज़ेदार, अगर आप आउटडोर में शूट करते हैं। जैसे बहुत से लोग नेचर का फ़ोटो लेते हैं, पक्षियों का, फूल का, प्लांट्स का, इसमें बहुत अच्छा लुक आने वाला है आउटडोर में, ठीक है। 150 वाट सुपर ओके इंडस्ट्री क्या ये ओके 100% चार्जिंग ओके। देखिए कमाल का बात है कि सिर्फ 17 मिनट में आपका ये फुल चार्ज करने वाला है 1% से 100% पर, ठीक है। ये चीज़ बहुत कमाल है, रेड में लिखा हुआ है, तो ये इसीलिए 80 वाट का चार्जिंग दे रखा है इसमें, तो सिर्फ 17 मिनट में आपका चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों जैसे कि हम कैमरे की बात करते हैं, इसमें देखकर आप देख सकते हो बैक कैमरे में एक कैमरे का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, बाकी तो बता ही दिया कि एक होगा मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है, जो बड़ा वाला है, और उसके बाद ये साइड वाला है ये है 8 मेगापिक्सल का, और ये वाला है 2 मेगापिक्सल का, ठीक है। तो ये कमाल का ये परफॉर्मेंस देने वाला है, जब आप फोटो वगैरह क्लिक करोगे तो देखो फोटो वगैरह भी इसमें दिखा रखा है कि कैसा आने वाला है इसका लुक, उसमें आपको क्लियरली आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा इसका मुझे कैमरा क्वालिटी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हम शुरुआत में ही बात किए थे, हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन, जी हाँ, ये बेसिकली गेमर्स के लिए ही है, इसीलिए इतना ये महंगा है, और गेमर्स इसको ज़रूर ख़रीदना चाहेंगे, मुझे यकीन है। चाहे आप कोई सा भी गेमिंग, कितना भी बड़ा गेमर गेमिंग वाला आप इस्तेमाल कर लो, इस वक्त जैसा कि हमारे इंडिया में तो खासतौर से पबजी VGMI ही चल रहा है, तो यही है सबसे बड़ा गेमिंग, तो आप इसको चला सकते हो, रेसिंग वगैरह सारा गेमिंग इसमें चलने वाला है, बहुत ही स्मूथली चलेगा बिना किसी लैगिंग के साथ, गारंटी के साथ ही आपको स्मार्टफोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है इसमें, और ऑक्सीजन OS 12 है, बहुत ही स्मूथ चलने वाला है, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हो। और क्या बताऊँ, बहुत सारा फीचर्स है, एक एक फ़ीचर के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो घंटों में चली जाएगी। यहाँ पर सारे डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स जो आपको चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम फ़ोन की वेट की बात करें तो 190 ग्राम का इसका वेट है। मैन्युफैक्चरर हैं ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको नहीं पता है कि वन प्लस किस कंपनी का है, तो ओप्पो मोबाइल कंपनीज को, ओप्पो का नाम सुना होगा ना आपने, उसी वही कंपनीज को बनाती है वन प्लस को, कोई और कंपनी नहीं है, तो ये अलग कंपनी नहीं है, ओप्पो का ही है ये। तो ये है इसका, इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, अडाप्टर, फ़ोन के सिम ट्रे, एजेक्टर, USB केबल,
तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, डज दिस हैव एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड स्लॉट? नो। ओके ओके, ये पता नहीं क्या है NFC, क्या होता नहीं पता मुझे। कैन आई प्ले पबजी? यप, या यू कैन। दिस फोन वायरलेस चार्जर सपोर्ट और नॉट? नो, ये वायरलेस चार्जर नहीं है, इसमें यही बात है, इसमें वायर्ड चार्ज ही मिलेगा आपको। फास्ट चार्जिंग है, 17 मिनट में चार्ज कर देता है, वायरलेस चार्जर लेके आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका रिव्यू फीचर्स की बात कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपको रिव्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, चार्जिंग पावर के लिए जो इसका रिव्यू मिला है 5 स्टार में से 4.4 मिला है, बहुत अच्छा है। फिंगरप्रिंट रीडर अगर आप बात करें 5 स्टार में से 4.3 स्टार मिला है। लाइट वेट की बात कर ले अदर कंपेरिजन में तो 5 स्टार में से 4 स्टार मिला है, यानी काफ़ी अच्छा। कैमरा क्वालिटी 4 स्टार, बैटरी लाइफ 3.9 बैटरी लाइफ की बात कर रहा है, अभी तो कर देंगे उसके बाद ही बैटरी लाइफ मालूम चलने वाली है, पता नहीं इसको कैसे मालूम चल गया भाई। वैल्यू फॉर मनी 3.6, ठीक है, नॉट बैड। इसके साथ आप जा सकते हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अगर आपके पास बजट है, गेमिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली बजट तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की अनबॉक्सिंग रिव्यूइंग देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।